डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन सर्वेंग टू नाउ टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर थ्री आज हम लोग सर्वे uh, टू के लेक्चर में लेसन नंबर थ्री देखने वाले हैं जो ट्रैंगुलेशन पे बेस्ड है एंड देयर वी आर सीइंग व्हाट इज ट्रैंगुलेशन फिगर इसके पहले दो लेसन में हमने देखा कि ट्रेंगुलेशन का कंसेप्ट क्या है एंड प्राइमरी ट्रेंगुलेशन सेकेंडरी ट्रैंगुलेशन और टर्सरी ट्रेंगुलेशन ये कैसा होता है एंड उसके हमने ऑब्जेक्टिव देखे एंड वी हैव सीन दैट कि हाउ दैट ट्रेंगुलेशन कंसेप्ट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द मैप ऑफ ए लार्जर एरिया जब बड़े स्टेट का कंट्री का या बड़े एरिया का हमें नक्शा निकालना है तो हमें ट्रेंगुलेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करना होता है एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द जियोडेटिक सर्विंग नाउ इन दैट वी हैव सीन दैट हाउ द प्राइमरी ट्रैंगल्स आर फॉर्म बड़े बड़े ट्रैंगल्स फॉर्म करने के लिए हमने देखा था कि प्राइमरी ट्रायंगल्स ही हमारे 150 किलोमीटर बाय 150 किलोमीटर के साइड्स के ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल्स होंगे उसके अंदर फिर हम लोग छोटे ट्रायंगल्स करेंगे अबाउट 65 किलोमीटर साइड्स uh, और उसके अंदर फिर और छोटे ट्रायंगल्स करेंगे जहाँ पे 10 टू 15 किलोमीटर की साइज़ होगी ट्राएंगल की एंड दैट वन ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर एरिया एंड इन दैट देन वी हैव टू कैलकुलेट कंडक्ट द एक्चुअल फील्ड सर्वे इंजीनियरिंग सर्वे कैरेस्ट्रल सर्वे टोपोग्राफिकल सर्वे प्लेन टेबल सर्वे और लेवलिंग सर्वे एंड ऑन दैट वी विल ट्राई टू प्रिपेयर द मैप ऑफ दैट होल एरिया वो जो मैप है वो फिर हमको उस छोटे ट्राइंगल में बैठाना है और ऐसा करके क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले सारे बड़े एरिया को ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है तो हर एक मैप को अपने अपने ट्रैंगल में बिठा के हम लोग बड़े पूरे एरिया का ट्रैंगल का मैप निकाल सकते बट बिकॉज लार्जर एरिया इज ए पार्ट ऑफ ए स्पिरिकल शेप ऑफ द अर्थ

फिर उसके अंदर सपोर्ट लेके हम लोग दूसरे छोटे ट्राइंगल्स बनाएंगे जो सेकेंडरी ट्राइंगल्स होंगे फिर उसके अंदर और छोटे बनाएंगे जो टर्सरी ट्राइंगल होंगे और एक टर्सरी ट्राइंगल बोलो तो एक छोटे एरिया को कॉलोनी याद गांव को, को, या को रिप्रेजेंट करेगा और उतने एरिया का मैप का नक्शा बना के फिर ऐसे हर एक को जोड़ के हम लोग बड़े एरिया के लिए जा सकते सो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो ट्रायंगुलेशन का काम हम लोग करेंगे उसके लिए आपके जो ट्रायंगल्स कैसे बनाने हैं आपको वो हमको पहले देखना पड़ेगा और जो ऐसी हमारी अलग अलग ट्रायंगल्स की रचनाएं हम लोग अर्थ के सरफेस को कवर करने के लिए मैप बनाने के लिए जो बनाएंगे दे आर रेफर्ड एज ट्रायंगुलेशन फिगर तो आज हम लोग हमारे इस लेसन में ट्रायंगुलेशन फिगर के अंदर व्हाट इज ट्रायंगुलेशन फिगर देन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रेंगुलेशन फिगर ये हम लोग देखने वाले नाउ यू कैन सी दैट इन द फिगर यहां पे आपको दिखाया गया है कि ये ऐसी ही समझो टेरेन एरिया है यानी हमारे जो जमीन है वो ऐसी नीचे ऊपर होती है उसके ऊपर कहीं ऐसे चट्टाने वगैरह होती है तो हर एक चट्टान को हम लोग ऐसे अलग अलग ट्रैंगुलर पार्ट में हम लोग ज्वाइन कर सकते सो वन हिल इट इज कम्पोज ऑफ फाइव सिक्स ट्रैंगल्स ऑन ऑल द साइड्स डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी और ऐसे जो ट्राइंगल्स है फिर ये ट्रैंगल्स को पकड़ के ये हमारा एक बड़ा एरिया हमने समझ लो कवर कर लिया यदि हम लोग इसको पेज पे समझेंगे तो आपको इस प्रकार से ऐसा बनेगा जहाँ पे आपकी टोपोग्राफी जो है वो कंजस्टेड है वहां पे ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स अलग अलग साइज के बनेंगे और जहाँ पे ऐसे प्लेन एरिया है वहाँ पे थोड़े से बड़े ट्राइंगल बनेंगे एंड दैट वे द होल एरिया वी हैव टू डिवाइड इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स एंड दैट इज द एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ ट्रैंगुलेशन सो बेस्ड ऑन द टोपोग्राफिकल फीचर्स ऑन द ग्राउंड वी हैव टू डिसाइड द डिफरेंट ट्रैंगुलशन अरेंजमेंट ट्राएंगल अरेंजमेंट एंड दे आर रेफर टू एज ट्रैंगुलेशन फिगर सो so, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पे आपके पास में एक ये फिगर दिख रही है जहाँ पे हमको अलग अलग टेरेन टोपोग्राफी अलग अलग दिख रही है यहाँ पे ऐसी वैली है और इधर ये अलग अलग चट्टाने हैं ऐसी यहाँ इस प्रकार से है इसका हम लोग काउंटर मैप भले ही हम लोग निकाल सकते एक्चुअल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये वैली आ रही है इस प्रकार से और दोनों तरफ से ऐसी इसकी पहाड़ियाँ है इसको हम लोग कलर सेगमेंट में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसके काउंटर लाइन्स हम बनाएंगे तो आपको इसी प्रकार से काउंटर लाइन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे लेकिन इस एरिया को यदि हमको मैप करके सर्वे करना है बड़े एरिया को तो आपको ये बड़े एरिया को बड़े ट्रायंगल में फिर उसके अंदर छोटे ट्रायंगल और उसके अंदर छोटे ट्रायंगल ऐसे करके ट्रायंगल में कवर करके फिर हर एक एरिया को आपको लोकेट करना पड़ेगा सर्वे करना पड़ेगा और उसके लिए फिर हम लोग इस प्रकार से ऐसे ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड कर सकते दिस इज वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल कि इस प्रकार से आपको टोपोग्राफी को आप अलग अलग ट्रैंगुलर फिगर्स में कनेक्ट करके एक अलग ट्रैंगल को फिर सर्वे कर सकते हैं आप और ऐसा करके पूरे बड़े एरिया का भी सर्वे हम लोग कवर कर सकते एंड फॉर दैट पर्पज जस्ट एंड टेक एन एग्जाम्पल कि आपको समझ लो ये ऐसी ऐसी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे और उसके ऊपर आपको फिर ट्राइंगल्स मैप करने हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे जैसा वो चट्टान का शेप होगा उस प्रकार से हम लोग अलग अलग ट्रैंगल्स बनाएंगे और एक छोटा ट्रायंगल जो है वो टर्सरी ट्रायंगल होगा वो एक बड़े ट्रायंगल का पार्ट होगा दैट इज सेकेंडरी ट्रायंगल और वो एक और बड़े ट्रायंगल का पार्ट होगा विच इज़ प्राइमरी ट्रायंगल और फिर हर एक छोटे छोटे एरिया का नक्शा बना के उसको एक मेक को जोड़ के हम लोग बड़े एरिया का सर्वे भी कर सकते हैं एंड फॉर दैट कंसेप्ट यू कैन रेफर यर दैट यहाँ पे जैसे एक चट्टानदी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसा यहाँ पर आपको बीच में वैली दिख रही है तो ये आपकी एक बीच की सेंटर लाइन आ गई और जो ऊंचा वाला पार्ट है वहाँ पे हमने एक स्टेशन लिया तो ये लाइन एक कनेक्टिंग हो गई एक लाइन कनेक्टिंग हो गई सो तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी टोपोग्राफी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ तो ये एक हमारा स्टेशन हो गया ट्रैंगुलेशन का दूसरा ये हो गया तीसरा ये हो गया चौथा ये हो गया पांचवा ये हो गया छठवा ये हो गया तो ऐसे ये ट्रैंगल्स के स्टेशन हमारे हो गए और ये ट्रैंगल्स के स्टेशन को हम लोग अलग अलग लाइन से ऐसा जोड़ सकते हैं सो लाइक वे वी कैन ज्वाइन ऑल दी लाइन्स तो ये जो हमारी ग्राउंड की टोपोग्राफी है ये पूरी सारी हमने इसको ट्रायंगल्स में बराबर शेप देके जैसा आप यहाँ से स्लोप है तो ये लाइन आ जाएगी फिर ये ट्रायंगल बन जाएगा फिर दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे बनेगा फिर ये ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल बनेगा ये ट्रायंगल बनेगा, बनेगा ये ऐसा ट्रायंगल बनेगा सो लाइक वे ऑल दिस टेरेन एरिया दैट वी आर कनेक्टिंग इट बाय डिफरेंट लाइन्स

टू ईच अदर हर एक ट्रेंगल का मैप एक एकमे को जोड़ जोड़ के फिर हम लोग पूरे टोपोग्राफी का मैप जो है वो समझ सकते हैं एंड फॉर दैट परपज वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्रेंगुलेशन फिगर्स आर फॉर्म फॉर द एनी ऑफ पर्टिकुलर सर्वे तो वो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग ट्रेंगुलेशन की फिगर्स बनाएंगे जैसा कि मैंने अभी यहां पे आपको एक एग्जाम्पल बताया सो हियर ट्रेंगुलेशन फिगर दैट इज ए ट्रेंगुलेशन फिगर इज ए ग्रुप ऑफ सिस्टमेटिक ट्रैंगल्स सच दैट एनी फिगर हैज वन साइड एंड ओनली वन साइड कॉमन टू ईच अदर ऑफ द प्रेसिडिंग ऑर द फॉलोइंग फिगर तो हर एक एक एकमेक से दूसरे लाइन से जुड़ा है तो so, एक साइड उसकी कॉमन है और उससे दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया ऐसा करके अलग अलग ट्रायंगल हम लोग एक मेक को जोड़ सकते ऐसा बनाने के बाद में जो फिगर तैयार होगी दैट फिगर वी आर कॉलिंग इट एज ट्रैंगुलेशन फिगर सो सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्राइंगल्स

सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल सो यू कैन यूज द सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल सो यहाँ पर सिंपल टोपोग्राफी के लिए हम लोग सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल यूज करेंगे देन वी आर यूजिंग डबल चेन ऑफ ट्राइंगल थोड़ी टिपिकल टोपोग्राफी है देन वी कैन ऑल्सो यूज सेंटर पॉइंट फिगर एंड वी कैन ऑल्सो यूज क्वार्रिलैटरल फिगर सो लाइक वे फोर टाइप्स ऑफ ट्रैंगुलेशन फिगर वी आर यूजिंग फॉर आवर ट्रैंगुलेशन सर्वे सो ऑल दिस फोर टाइप्स कौन सी कौन सी है यहां पर हम लोग देखेंगे सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दैट सिंगल चेन ऑफ ट्रेंगल बोले तो जो ट्रेंगल्स है वो हमारे एक लाइन में जुड़े होंगे समझ लो या फिर डबल चेन ऑफ ट्राइंगल जो है वो दो ट्रेंगल्स एक लाइन में होंगे या फिर सेंट्रल पॉइंट फिगर यानी एक्सागॉन पेंटागॉन टाइप के फिगर होंगे सो वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस ट्रेंगुलेशन फिगर इन द डिटेल सो हियर यू कैन सी दैट यहां पे हमारी समझ लो एक रिवर को कवर करना है हमको एक रिवर का सर्वे करना है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि रिवर के दोनों बाजू में इस प्रकार से ऐसे स्टेशन ले सकते हो या फिर आपको एक एक सातपुड़ा की रांग है रेंज है। सर्वे so, तो हम लोग वो टेरेन के ऊपर सर्वे के लिए क्या करेंगे तो हमारे जो टेरेन है उसके चारों बाजू में ऐसे अलग अलग पॉइंट्स लेंगे यानी बीच में आपका टेरेन है और ऐसे टेरेन को लेके फिर हम लोग उसके ग्राउंड पे ऐसे अलग अलग शेप के फिर ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे सो so, क्या हो जाएगा कि एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल तीसरा चौथा पांचवा छठवा ऐसा और ये एक आपका सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल्स की ऐसी यानी जो चीजें लंबी है जैसा रोड का टोपोग्राफी का सर्वे करना है आपको या फिर हिल के रेंज का करना है या फिर रिवर के रेंज का करना है या किसी वैली का करना है तो आपको ऐसा और ग्राउंड अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा लेवल ग्राउंड है या प्लेन ग्राउंड है अनड्यूलिंग टोपोग्राफी है लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो ऐसे समय पे आप सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल्स फॉर्म कर सकते हो और फिर हर एक ट्रैंगल में आप एरिया सर्वे करने के लिए आप जा सकते हो सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑल्सो वी कैन यूज दैट इज कॉल्ड एज सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेंगुलेशन फिगर अब यदि समझ लो चौड़ा रास्ता है या पर्वत श्रेणी भी बड़ी चौड़ी है तो उसमें आपको सिंगल चेन और ट्रायंगल से आपका सर्वे कवर नहीं हो पाएगा so तो दोनों तरफ से फिर ऐसे ट्रायंगल बनाते जाएंगे तो ये वाले जो पॉइंट है ये हिल के ऊपर रहेंगे हमारे टॉप पे ये वाले और ये वाले जो पॉइंट है वो हिल के नीचे रहेंगे और इस प्रकार से या फिर एकाधा बड़े चौड़े रोड के लिए हाईवे के लिए सर्वे करना है तो भी हम लोग सर्वे करने के लिए फिर हम लोग इस प्रकार से स्टेशन जो है सर्वे स्टेशन वो यहां पर ले सकते हैं और फिर ये सारे स्टेशन में क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो आपके ऐसे ट्रायंगल की दो डबल लाइन बन गई एंड देयर फॉर दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड एज डबल चेन ऑफ ट्रायंगल सो ये एक अलग प्रकार से फिर से ट्रायंगुलेशन फिगर हो गई so this ट्रेंगुलेशन फिगर is यूज अगेन फॉर the फीचर्स those आर वेरी लॉन्ग बट they are हैविंग वाइड width और ऐसे टेरिन को कवर करने के लिए आप डबल चेन ऑफ ट्रैंगल्स इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन यदि आपकी वेरिंग टोपोग्राफी है यानी कभी खाई है कभी चट्टान है कभी प्लेन ग्राउंड है ऐसा सब अलग अलग फीचर्स आ रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसा प्लेन सिंगल फिगर या डबल चेन फिगर ट्रैंगल पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस में जैसी टोपोग्राफी है उसके हिसाब से जैसा कि अब यहाँ पर एक चोटी है तो ऊपर में टॉप पे एक पॉइंट और नीचे में चार पॉइंट ऐसा करके उस टेरेन को आप चार ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो उसके आगे फिर ऐसे बड़ी चट्टान है या टेकड़ी है तो उसको पांच ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो या फिर ऐसे एग्जैगुलर शेप में भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है इतना प्लेन एरिया है फिर यहाँ पर भी और एक ऐसी एक टोपोग्राफी है ग्राउंड है प्लेन तो उसको क्वारिलेटरल में हम लोग ज्वाइन कर सकते सो लाइक वे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पेंटेगॉन हेक्सैगॉन और डबल सेंटर्ड फिगर इस प्रकार से अलग अलग टाइप की फिगर आपकी बन सकती है जो अलग अलग स्टेशन आप ग्राउंड पे के ज्वाइन करेंगे उसके हिसाब से तो ऐसी जब ट्राइंगल्स में को जुड़ेंगे आपके सर्वे के लिए आप कंसेप्चुलाइज कंसेप्चुलाइज करेंगे उसको सो दे आर कॉल्ड एज सेंटर्ड फिगर तो ट्राइंगुलेशन फिगर का तीसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर्ड फिगर ट्रैंगुलेशन तो यहां पे अलग आपकी टोपोग्राफी आप कवर कर सकते या फिर कहीं जगह पे आपको ऐसा भी होगा कि आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल एक में को ज्वाइन किए वाले भी इस्तेमाल कर सकते ट्रायंगल के बजाय प्लेन टोपोग्राफी है <coughs> तो आप क्या कर सकते हैं वन टू थ्री फोर चार पॉइंट लेके ऐसे एक्सटेंड करते जाओ उसको और ये इसके डायगोनोस भी आपको गिनने पड़ेंगे और ऐसे कॉड्रीलेटर बनाते जाएंगे आप यानी चौकोन या रेक्टेंगल टाइप शेप आपके बनते जाएंगे बिकॉज प्लेन ग्राउंड इज देयर अब इसको आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं जितना आपका एरिया होगा उसके हिसाब से क्वाड्रिलेटरल एक में को जोड़ते जाओ साइड में आजू बाजू में तो इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल टाइप की फिगर भी बन सकती तो ट्रैंगुलेशन फिगर के हमारे पर्टिकुलरली चार टाइप है पहला टाइप है आपका सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल दूसरा टाइप है आपका डबल चेन ऑफ ट्रैंगल तीसरा टाइप है आपका सेंटर्ड फिगर ट्रैंगुलेशन टाइप एंड दिस इज क्वाड्रिलेटरल टाइप ट्रैंगुलेशन फिगर सो दीज आर द जनरल टाइप्स इसके अलावा भी हम लोग फिर जैसी अलग अलग टोपोग्राफी होंगी उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप के आ, फिगर के अरेंजमेंट कर सकते हैं सो इन द ट्रैंगुलेशन फिगर यू कैन सी दैट यू कैन हैव द डिफरेंट फॉर्मेशन तो हम लोग पहले इन सब के फीचर्स देखेंगे वन बाय वन करके जैसा कि हमने सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल्स का इस्तेमाल किया तो सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल्स हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इट इज यूज फॉर नैरो स्ट्रिप ऑफ टेरेन जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक ऐसी टेरेन की लाइन है एक लम वो पर्व श्रेणी का आपको पूरा सर्वे करना है तो वो एक लाइन में आपको ऐसा आगे आगे जाना पड़ेगा तो हर एक ट्रायंगल के बाद में दूसरा ट्रायंगल आते जाएगा और इस प्रकार से आप लंबे फीचर को कवर कर सकते सो सिंगल फिगर ऑफ सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल दैट वी कैन यूज फॉर नैरो टेरेन एरिया सो दैट इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल देन इट इज नॉट एक्ूरेट फॉर प्राइमरी वर्क ऑफकोर्स प्राइमरी ट्रेंगुलेशन तो बड़े एरिया को कवर करता है तो यहां पर यह सिंगल चेन ऑफ ट्राइंगल जो है प्राइमरी सर्वे के लिए काम में आपको नहीं आएगा बट कुछ तौर पर हम लोग वी कैन हैव इट फॉर ए फीचर्स हैविंग मोर लेंथ ऐसे जगह पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते यहां पर क्या है कि हर एक ट्रैंगुलेशन uh, की एक ही साइड जो है वो एक मेक को कॉमन है सो so हियर द नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इन द फिगर एडजस्टमेंट इज़ रिलेटिवली स्मॉल यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि भाई यदि डायमेंशन में कुछ गड़बड़ी आ गई तो आपके पास में सिर्फ एक ही साइड है कि जो आपकी कॉमन है जिसके ऊपर से आप दोनों भी ट्रेंगुलेशन फिगर के डायमेंशन या एंगल्स जो है उसको चेक कर सकते सो टू फॉर धिस पर्पज़ वी हैव टू सी दैट कि ये प्राइमरी ट्रैंगुलेशन के लिए सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल हमारी इस्तेमाल नहीं होगी सिमिलरली इट इज रैपिड एंड इकोनॉमिकल सिस्टम जैसे आपको यहाँ पर समझ में आ जा रहा है कि भाई यहाँ पे सिंगल ऑफ चेन ऑफ ट्रैंगल्स जो है वो बनाना आसान है वह दो दो पॉइंट दो दो पॉइंट बनाते जाओ और उसको ऐसे जिक्जैक्ट जिक्जैक्ट हम लोग जोड़ते जाएंगे सो इट इज़ वेरी रैपिड मेथड ऑफ ट्रैंगुलेशन एंड इट इज इकोनॉमिकल सिस्टम क्योंकि हम लोग एक पर सिंगल uh, लाइन में हम लोग जा रहे हैं तो हमारे ऑब्जर्वेशन जो है वो साइड से ऑब्जर्वेशन बनते जाएंगे ऐसे प्रकार से और ये लाइन्स हम लोग इस प्रकार से कवर करते जाएंगे देन टू अवॉइड द एक्सेसिव एर फ्रीक्वेंट सेटिंग ऑफ द बेस लाइन इज नेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल लाइन सिंगल चेन ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर सपोज लो मैंने आपको ये वाली जो लाइन है मेरी इसको मैंने यदि बेस लाइन बनाया और ये बेस लाइन अभी मेरी एक ही बेस लाइन है तो यदि इस बेस लाइन में यदि मेरे करेक्शन आ जाता है तो मुझे बाकी के जो लाइन्स है उसके अंदर भी एरर आ सकते हैं मेजरमेंट के अंदर तो टू टू अवॉइड फॉर दैट यहाँ पे आपको जो बेस लाइन है उसका फ्रीक्वेंट सेटिंग करना पड़ता है यानी बेस लाइन का मेजरमेंट आपका ज्यादा बराबर है एक्यूरेट है इसको आपको बार बार देखते रहना पड़ेगा और यह चीज हमको ध्यान में रखेंगे तो ही हमारा सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल जो है इसका हमारा प्रोसीजर जो है वो बराबर आएगा देन द सोलूशन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू द फिगर बाय टू इंडिपेंडेंट रूट इज नॉट पॉसिबल यहां पर भी फिर वही हमको डिफिकल्टी आने वाली है क्योंकि हमारा यहां पे सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल है तो सिर्फ हमारी एक साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो यहां पे हमको इस ट्रायंगल की ये 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 वाली वाली साइड 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 और इस ट्रायंगल की एक ही है हमारे पास में चेक करने के लिए लेकिन इसमें यदि गलती हो गई तो आपके पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसके एरर निकालने के लिए आपके पास में कोई दूसरा इक्वेशन आपको नहीं बचेगा एंड फॉर दैट ये सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल का ऐसे जो ट्रेंगुलेशन फिगर है उसका एक कंस्टेंट है कि वहां पे आपको ज्यादा चेकिंग के लिए ज्यादा चांसेस नहीं है सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल विच इज यूज फॉर ट्रेंगुलेशन फिगर एंड विच इज यूज फॉर नैरो टाइप ऑफ टोपोग्राफी ऑफ द टेरेन देन उसके बाद में दूसरा हमारा टाइप है जो हम लोग यहाँ पर uh, कहेंगे दैट इज डबल चेन ऑफ ट्रैंगल सो इन द डबल चेन ऑफ ट्रैंगल यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी टेरेन की टोपोग्राफी है लेकिन थोड़ी सी वाइड है यहां पे न सी दैट यू कैन यूज दिसन यहां पर स्ट्रीप की जो चौड़ाई है, है टेरेन चौड़े वाले है या फिर उसका फैलाव ज्यादा है तो वहां पर आपको सिंगल चेन ऑफ ट्रे आपका काम होने वाला नहीं है तो ऐसे टोपोग्राफी को कवर करने के लिए आप डबल चेन ऑफ ट्रैंगल का इस्तेमाल कर सकते टॉप वाले पॉइंट है वहां पर आप ये वाले स्टेशन ले लो ऊपर के और टेरेन के दोनों साइड में फिर आप अलग अलग स्टेशन ले लो ये जो नीचे पॉइंट होंगे ये वाले पॉइंट नीचे होंगे और इस प्रकार से आप लोग यदि आप ट्रायंगल्स को जोड़ेंगे तो आपके दो लाइन बनेगी ट्रायंगल्स की या फिर आपका कैनाल है या आपकी फिर वैली है तो वैली में नीचे वाले ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो वैली के अंदर रहेंगे और ऊपर में दूसरे पॉइंट्स रहेंगे और ऐसे करके उस टोपोग्राफी को जोड़ के हम लोग डबल चेन ऑफ ट्रायंगल्स का इस प्रकार से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं सो हियर इट इज फॉर द वाइड स्ट्रिप ऑफ टेरेन उसके बाद में इट इज नॉट सो एक्यूरेट फॉर प्राइमरी वर्क अगेन जैसा भी सिंगल ट्रेन ऑफ सिंगल चेन ऑफ ट्रेंगल हमने देखा था वैसा भी डबल चेन ऑफ ट्रैंगल भी प्राइमरी वर्क के लिए पॉसिबल नहीं है जनरली ये टर्सरी ट्राइंगुलेशन uh, के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानी फील्ड में सर्वे करने के लिए छोटे एरिया के लिए सिंगल चेन ऑफ ट्रैंगल और डबल चेन ऑफ ट्रैंगल ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं सो हियर बिकॉज द एडिशनल नंबर ऑफ कंडीशंस

और तुरंत आपकी ऐसी ट्राइंगुलेशन की लाइंस बन जाएंगी और डबल चेन ऑफ ट्राइंगल्स को सेट करने के लिए या स्टेशन डिसाइड करने के लिए आपका काम थोड़ा सा रैपिड और इकोनॉमिकल होगा देन टू अवॉइड द एक्सेसिव एरर फ्रीक्वेंट सेटिंग ऑफ द बेस लाइन इज नेरी ऑफकोर्स इनमें भी वही है जैसे सिंगल चेन ऑफ ट्राइंगल में था वैसे यहाँ पर भी समझ लो हमने बेस लाइन यदि टॉप वाली बना ली तो यहाँ पर टॉप की बेस लाइन को मेजर करने के लिए आपको टेरेन के टॉप पे जाना पड़ेगा स्टेशन फाइंड करने के लिए तो ऐसे समय पे आपको ये थोड़ा लंबा और थोड़ा इजी नहीं होगा और उस समय फिर इसके जो मेजरमेंट है या फिर ये जो स्टेशन है उसके जो सेटिंग है वो सेटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि यदि आपकी इसके अंदर मेजरमेंट में गलती हो गई तो आपके मैप में भी थोड़ी थोड़ी, थोड़ी 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 एरर आ सकती है सो टू अवॉइड दैट यू हैव टू फ्रीक्वेंट सेटिंग ऑफ द बेस यानी आपको बेस का मेजरमेंट बार बार चेक करते रहना पड़ेगा स्टेशन से आपका रेफरेंस लेते समय बार बार आपको काउंटर चेक करना पड़ेगा कि कि रेफरेंस वाला लिया नहीं so वाले बराबर है है नहीं नहीं करके। पहले सिंगल चेन ऑफ में वो पॉसिबल था लेकिन डबल चेन ऑफ ट्राइंगल्स में आपके पास में कैसा है कि ये जो ट्राइंगल की साइड है कॉमन है तो ये ये इसका डायमेंशन आप ये ट्रायंगल से भी चेक कर सकते हैं और इसका डायमेंशन ये ट्रायंगल से भी चेक कर सकते हैं तो आपका जो बेस लाइन है इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए दो इक्वेशन मिलेंगे आपको इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर एडेड एडवांटेज एज कंपेयर टू द सिंगल चेन ऑफ ट्रायंगल कि डबल चेन ऑफ ट्रायंगल्स में आप बेस लाइन की एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं और यहां पे आपको टू इंडिपेंडेंट रूट्स मिलेंगे आपको एक ये वाले ट्रायंगल का रास्ता है एक दूसरे वाला ये वाला ट्रायंगल का रास्ता है सो so, दोनों तरफ से आपको को चेक करने के लिए आप आसानी से काम कर सकते हो सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डबल चेन ऑफ ट्रायंगल्स सो इन दिस वे वी कैन कवर द वाइड स्ट्रिप ऑफ टेरेन बाय यूजिंग डबल चेन ऑफ ट्रायंगल ये वाली ट्रायंगुलेशन फिगर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसी प्रकार से फिर हमारा तीसरी जो सिस्टम है हमारी वो है हमारी तीसरी सिस्टम दैट इज सेंटर्ड फिगर इसके पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक कॉड्रिलेटर का है यहाँ पर एक पेंटागॉन बन रहा है यहाँ पे एक एक्सागॉन बन रहा है यहाँ पे डबल सेंटर्ड फिगर हमारी बन रही है तो अलग अलग टोपोग्राफी यदि है हमारी और अलग अलग शेप का टेरिन एरिया है टोपोग्राफी है तो वहां पर आपको ऐसी सिंगल चेन या डबल चेन इस प्रकार से आपको ट्रेंगुलेशन की फिगर नहीं बनाती आएगी जैसी जैसी टोपोग्राफी जिधर जिधर बढ़ रही है तो उधर कहीं पे फिर पेंटागन बनाओ कॉर्टिटर बनाओ कहीं पे एक्सागॉन बनाओ कहीं डबल सेंटर्ड फिगर बनाओ इस प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन वहां पर कर सकते हैं सो हियर दिस सेंट्रल पॉइंट फिगर ये जो ट्राइंगुलेशन की फिगर की अरेंजमेंट है दैट वी आर यूजिंग टू कवर द फ्लैट टोपोग्राफी दैट वी टू रिमेंबर हियर फ्लैट टोपोग्राफी है यानी ज्यादा यहां पे टेरेन वगैरह इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है रिवर वैली ऐसे लंबे लंबे वाले टोपोग्राफी वाले एरिया नहीं है तो ऐसे जगह पे हम लोग फैट फैटोग्राफी के लिए हम लोग सेंटर फिगर वाली जो अरेंजमेंट है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते देन इट इज एक्यूरेट फॉर सेकेंडरी सिस्टम सींस द नंबर ऑफ कंडीशन टू बी फिलफिल इन द फिगर एडजस्टमेंट इज रिलेटिवली मोर ये इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ये जो फिगर है समझ लो ये हमारा कार्ड्रिलेटरल है तो ये कार्ड्रिलेटरल में बिकॉज ऑफ दिस सेंटर पॉइंट आपके ये ट्रायंगल के एक साइड जो है वो दो ट्रायंगल से कॉमन आ रही है ये वाली साइड दो ट्रायंगल से ये वाली साइड दो ट्रायंगल से ये वाली साइड जो है दो ट्राइंगल से सो एवरीवेयर वन साइड इसके एक्यूरेसी चेक करने के लिए आपके पास में दो ट्राइंगल के अंदर सर्वे करने के बाद में इसके एक्यूरेसी आप काउंटर चेक कर सकते हो सो हियर रिलेटिवली मोर कंडीशन आपके पास में है कि आपके बेस लाइन का मेजरमेंट एंगल का मेजरमेंट चेक करने के लिए सिमिलरली ये वाली कॉमन साइड यदि है तो यह ट्राइंगल फिगर में और इधर के ट्राइंगल फिगर में दोनों तरफ से इसका जो एक्यूरेसी है वो आप लोग चेक कर सकते हो एंड दैट इज द एडवांटेज दैट रिलेटिवली मोर नंबर ऑफ चेक्स आर अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट इन देश लाइन देन इट इज नॉट रैपिड एंड इकोनॉमिकल सिस्टम यहां पर आपको दिखेगा कि जैसा आपको जैसी जैसी टोपोग्राफी है उसके हिसाब से आपका सेंटर पॉइंट कहां पे होगा फिर दूसरे वाले जो बचे वाले पॉइंट्स होंगे वो कहां होंगे इसको आपको आइडेंटिफाई करते जाना पड़ेगा अलग अलग टोपोग्राफी में और जैसी वेरिंग टोपोग्राफी होंगी उसके हिसाब से हर बार आपकी अरेंजमेंट चेंज होने वाली है तो ट्रेंगुलेशन स्टेशंस को लोकेट करने के लिए ट्रेंगुलेशन फिगर के लिए बेसलाइन वगैरह और उसका शेप कैसा रहेगा ये डिसाइड करने के लिए हमको कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा सो दिस मेथड इज नॉट रैपिड जो हमारी सेंटर फिगर वाली अरेंजमेंट है ट्रेंगुलेशन फिगर की देन टू अवॉइड द एक्सेसिव एरर सिस्टम प्रोवाइड्स द डिजायर्ड चेक्स ऑन द कंप्यूटेशन क्योंकि यहां पे जैसा भी अब एक्सागॉन बन गया तो एक्सागॉन में नंबर ऑफ साइड्स जो भी है अंदर की वाली ये ये कॉमन टू ऑल बोथ द देंगल्स है तो ये इनके सारे के एक्यूरेसी हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते बिकॉज ये दोनों भी साइड हमने एक्यूरेटली मेंटेन कर ली तो ये भी साइड की एक्यूरेसी आप ज़्यादा अच्छी से मेंटेन कर सकते सो सो दैट इज द एडवांटेजेस पर चेक जो है वो हमारे कॉम्पिटिशन के लिए आसानी से उपलब्ध है तो सेंटर फिगर में हमारा जो है ज्यादा एक्यूरेसी से काम हो सकता इसीलिए सेंटर फिगर वाली जो ट्रेंगुलेशन फिगर है ये हम लोग जनरली सेकेंडरी ट्रेंगुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे सो सेकेंडरी ट्रेंगुलेशन के लिए हमको ये यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देयर फॉर द सेंट्रल फिगर लाइक पेंटेगॉन हेक्जागॉन क्वाड्रिलेटरल्स आर यूज इन दिस सिस्टम तो ये हमारा एक ज़्यादा अच्छा वाला ट्रेंगुलेशन फिगर है जो हम लोग अलग अलग टाइप के टोपोग्राफी के लिए मिक्स टाइप ऑफ टोपोग्राफी जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं सो दिस इज सेंटर्ड फिगर ट्रेंगुलेशन सिस्टम फिर इसके अलावा फिर और हमारी एक नई सिस्टम हमने जो देखी है वो चौथे टाइप की ट्रेंगुलेशन फिगर है जिसका नाम है कॉर्ड्रिलेट्रल्स ओनली सो दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेंगुलेशन फिगर विच इज कॉर्ड्रिलेट्रल फिगर तो यहां पे हमको हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे ट्रेंगल्स बनाने के बजाय हम लोग कॉर्ड्रिलेट्रल्स यानी स्क्वेयर या रेक्टेंगल इस प्रकार से हमारे कुछ इमेजेस हम लोग बना रहे सो हियर इट इज द बेस्ट फिगर फॉर िसाइज ट्रेंगुलेशन यहां पे हमको ये रिमेंबर करना है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल फिगर जो है वो जनरली हम लोग प्राइमरी ट्रेंगुलेशन के लिए यूज करते और प्राइमरी ट्रेंगुलेशन के लिए क्यों यूज करते तो हमको पता है कि प्राइमरी ट्रेंगुलेशन के अंदर हमको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आपको जो डायमेंशन है ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्ट के या फिर यहां पे जितने भी है, अलग अलग बेसलाइन और अलग अलग स्टेशन बन रहे हैं उसमें का जो डिस्टेंस और एंगल है उसको हमको काफी प्रिसाइजली गिनना पड़ता है एक्यूरेसी आपको ज्यादा चाहिए और एक्यूरेसी को ज्यादा चाहिए तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसको एक्यूरेसी मेंटेन करते आनी चाहिए और उसके लिए फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि हम लोग कॉर्डिलेटर यूज करते हैं तो हमारे चार स्टेशन बनेंगे और ये चार स्टेशन को जोड़ने वाली ये चार साइड्स बनेंगे ये चार साइड्स तो हम लोग अभी मेजर कर लेंगे लेकिन ये चारों स्टेशन का लोकेशन हमारा फिक्स रहने के लिए हम लोग ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इसको भी काउंटर चेक कर सकते अब यह है कि यह डायगोनल और यह डायगोनल ये यदि हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिया या फिर उसको काउंटर चेक कर लिया तो ये फिगर का शेप बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हम लोग मैप के ऊपर बना सकते वहां पे यह जो स्टेशन है उसका डिसलोकेशन होने का कोई चांस आपको आएगा नहीं क्योंकि ये डायगोनल दोनों ट्रैंगल से हम लोग कंपेयर कर सकते ये वाला डायगोनल ये दोनों ट्रैगल से कंपेयर कर सकते और डायगोनल की जो लंबाई है ये भी हम लोग यहां पर एक्यूरेटली मेंटेन कर सकते न हैव द टू चेक इन द सेम फिगर एक ही फिगर में आपको एक ही डायमेंशन के लिए आपको दो चेक अलग अलग मिल रहे और उसके एक्ूरेसी आप फिर मेंटेन कर सकते हो सो फॉर दैट इट इज द बेस्ट फिगर फॉर प्राइमरी ट्रेंगुलेशन देन इट इज मोस्ट एक्ूरेट फॉर प्राइमरी सिस्टम जैसा भी मैंने बताया कि भाई ये प्रिसाइज ट्रेंगुलेशन की वजह से ही हम लोग प्राइमरी सिस्टम के लिए इस टाइप के अरेंजमेंट हम लोग यूज करते हैं वेर वी आर यूजिंग द कॉर्डिलेटर एज ए ट्रेंगुलेशन फिगर और इसके अंदर भी हम लोग अलग अलग टाइप की टोपोग्राफी कवर कर सकते में भी हम लोग आराम से कवर कर पॉसिबल थ्रू द मेनी कॉम्बिनेशन जैसा कि मैंने बताया कि ये डायगोनल दोनों भी चेक कर सकते आप एक डायगोनल को चेक करने के लिए दो ट्राइंगल्स की इक्वेशन आप यूज कर सकते ये डायगोनल के लिए ये कर सकते इतने कार्डुलेटर के लिए आपके पास में एक दो तीन चार चार इक्वेशंस रहेंगे तो चार इक्वेशन से आपको इसके एंगल और इसके साइड्स को चेक करने के लिए और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते एंड देयर फॉर इट इज यूज फॉर प्रिसाइज रेंगुलेशन इट इज यूज फॉर प्राइमरी ट्रेंगुलेशन सिस्टम बट इसके लिए फिर ये रैपिड और इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं रहेगी क्योंकि कॉल्टिलेटरल में आपको क्या हो रहा है कि चारों साइड के अलावा आपको दोनों भी डायगोनल का भी ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है मेजरमेंट लेना पड़ता तो डायगोनल के लिए आप मेजरमेंट कर लिए आपको फिर से अलग से टाइम लगेगा आपको सो देयर फॉर दैट इज नॉट रैपिड और इसके वजह से वो इकोनॉमिकल भी नहीं रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ चेक्स भी आपको बार बार करने पड़ेंगे यहां पर एकटेन करने के लिए सो देर फॉर दिस इज नॉट रैपिड एंड इकोनॉमिकल सिस्टम बट क्वाड्रिलेटरल्स आर यूज इन दिस सिस्टम एंड दे आर गुड फॉर मेंटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्राइंगुलेशन फिगर तो जो अभी तक का हमने चार अलग अलग सिस्टम देखी सिंगल चेन ऑफ ट्रेंगल डबल चेन ऑफ ट्रेंगल देन सेंटर पॉइंट फिगर एंड देन क्वाड्रिलेटरल तो इसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट इस्तेमाल होने वाली सिस्टम ट्रेंगुलेशन फिगर वो कौन सी है क्वाड्रिलेटरल सिस्टम ऑफ ये प्राइमरी ट्रेंगुलेशन के लोग इस्तेमाल करते दे फिर उसके अंदर हम लोग जो ट्रैंगल बनाएंगे उसके लिए हम लोग फिर सेकेंडरी ट्रेंगुलेशन सिस्टम के लिए यूज करेंगे हम लोग सेंटर्ड पॉइंट फिगर जो इसके पहले हमने देखा कि सेंटर पॉइंट फिगर जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी ट्रेंगुलेशन के लिए और यदि हमारा टर्सरी ट्रेंगुलेशन है यानी फील्ड वर्क इंजीनियरिंग सर्वे छोटे एरिया के लिए हमको करना है तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे डबल चेन ऑफ ट्राइंगल्स और सिंगल चेन ऑफ ट्रैगल्स सो लाइक वे जैसी आपकी टोपोग्राफी है जैसा आपका एरिया है जितना एरिया कवर करना है आपको उसके हिसाब से अरेंजमेंट देख के आपको ट्रैंगुलेशन के लिए आपको अलग अलग स्टेशन लेने पड़ेंगे जैसा कि अभी यहां पे मैंने स्टेशन ले लिया तो ये वाला एक दो तीन चार पाँच छ तो और एडिशनल यहाँ पर ले लिया मैंने तो इसको ज्वाइन करने वाली ये वाली फिगर मेरी ऐसी तैयार हो जाएगी सो दीज आर द डायगोनल्स आई विल मेजर और ये वाली ट्राइंगुलेशन फिगर तैयार हो जाएगी तो इसमें मैंने क्या कर लिया एक लंबा बड़ा एरिया मैंने कवर कर लिया तो जैसा आपका मैप का एरिया है जैसा आपका ग्राउंड का एरिया है उसके हिसाब से आपको अलग अलग एरिया को कवर करने के लिए आप ऐसा भी ट्रायंगल्स की सिस्टम यूज कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से अरेंजमेंट कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं सो यू कैन हैव द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल और हमारा पर्पस क्या है कि कैसा भी करके हमको जो एरिया का सर्वे करना है उसको हमको अलग अलग ट्रायंगल्स या कॉड्रिलेट्रस में बांटना है और फिर उससे हमारी जो ट्रायंगुलेशन की फिगर बनेंगी दैट ट्रायंगुलेशन फिगर वी आर यूजिंग फॉर आवर सर्वे प्रिपेरिंग द मैप सो दिस वे दीज आर द ट्रेंगुलेशन फिगर्स वी हैव टू यूटिलाइज अब ये ट्रेंगुलेशन फिगर कहाँ पर कौन सी इस्तेमाल करना है हमने यानी चार टाइप के हमने देख लिए और इसके अलावा भी अलग अलग कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेंगुलेशन फिगर क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रेंगुलेशन फिगर ये हमको मालूम होना चाहिए तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है द फिगर शुड बी सच दैट द कॉम्पिटिशन कैन बी डन थ्रू द टू इंडिपेंडेंट रूट ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वह जो भी साइड आप गिन रहे यदि है तो बेस लाइन की एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको दो अलग अलग तरफ से उसको मेजर करके देखते आना चाहिए या उसकी एक्यूरेसी आपको चेक करते आने चाहिए सो फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रेंगुलेशन फिगर इज टू इंडिपेंडेंट रूट शुड बी अवेलेबल फॉर चेकिंग द कैलकुलेन्सैट इज वन ऑफ द फर्स्ट क्राइटेरिया देन द फिगर शुड बी सच देस्ट वन ऑर दिफरेबली हम लोग आगे देखने वाले अभी तो दूसरा हमारा यह है कि जो भी ट्रैंगल आप बना रहे हो ना वो ट्रैंगल हमारे वेल कंडीशन ट्राइंगल होने चाहिए यानी वेल कंडीशन का ट्राइंगल का मतलब होता है हमने सर्वे वन में प्राइमरी में देखा है सो वेल कंडीशन ट्रैंगल्स आर ऐसे ट्राइंगल्स की जिसका जो एंगल है वो तीस डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए तो ऐसे वाले जो ट्रैंगल्स ऐसे ट्रायंगल्स बनने चाहिए हमारे नहीं तो टोपोग्राफी को कवर करने के लिए आपने एकदम ऐसे आड़े तेड़े ट्रायंगल बना दिए तो आपको और ज्यादा तकलीफ होगी सर्वे करने के लिए टाइम लगेगा स्टेशन का मेजरमेंट और डायमेंशन के लिए भी और आपको काफी सारी अड़चने होंगी तो एक अच्छी ट्रेंगुलेशन फिगर सिलेक्शन ऑफ ट्रेंगुलेशन फिगर करने के लिए आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि मोर नंबर ऑफ वेल कंडीशन ट्रेंगल शुड बी देयर फॉर ए पर्टिकुलर एरिया तो वेल कंडीशन ट्रायंगल ये हमको ध्यान में रखना चाहिए ऑल <laughs> well तो करीब -करीब आएंगे एक साइड हमारी ग्यारह किलोमीटर की है और दूसरी साइड एकदम हमारी उन्तीस किलोमीटर की है तो तीसरी साइड और कुछ तो भी आएंगी तो ऐसे ट्रायंगल्स आपको अवॉइड करना है तो सभी के कंपेरे कंपेरेबल लेंथ के आपके ट्रायंगल बनेंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आपको आसानी रहेगी सो लेंथ दैट इज द इंपोर्टेंट की कोई भी ट्रेंगुलेशन फिगर बनाते समय कि यदि आपका एक लाइन में थोड़ा सा बन रहे है बेस लाइन आदि बेस लाइन यदि स्ट्रेट लाइन में बन रही है तो और ज्यादा अच्छा आप ऐसे 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 ऐसे, ऐसे वेरिंग लाइन वगैरह और अन्यूलेशन टोपोग्राफी से कहीं से भी कहीं भी लाइन लेके जा रहे हैं तो वो ट्रेंगुलेशन फिगर हमारे ज्यादा काम की नहीं है इसलिए सिलेक्शन ऑफ ट्रेंगुलेशन फिगर के टाइम पे आपको वेरिंग लाइंस को अवॉइड करना है दैट टू रिमेंबर देन द फिगर शुड बी सच दैट द लीस्ट वर्क मे सिक्योर द मैक्सिमम प्रोग्रेस यानी आपको ट्रेंगुलेशन फिगर ऐसी बनानी चाहिए कि दिन में आपको एक ट्राइंगल का काम बिल्कुल कवर करते आना चाहिए <coughs> नहीं तो बहुत बड़े बड़े ट्राइंगल बना दिए आपने तो एक ही ट्राइंगल का एरिया सर्वे कवर करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लग रहा है सो वो भी नहीं है

चेकिंग करने के लिए नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे काफी सारे ज्यादा हो जाएंगे तो वो भी नहीं होना चाहिए एकदम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड खूब ज्यादा एक्यूरेसी के लिए भी ट्रेंगुलेशन फिगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है लेकिन कम भी नहीं करना है और ज्यादा भी नहीं करना है सो ऑप्टिमाइज इक्वेशन हमारे होने चाहिए लाइन की बेस लाइन की लंबाई और एंगल्स की एक्यूरेसी के चेक करने के लिए सो दैट वी हैव टू रिमेंबर सो फॉर द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द ट्रेंगुलेशन फिगर वी हैव टू रिमेंबर दैट देयर शुड बी टू इंडिपेंडेंट रूट्स देन द वेल कंडीशन ट्रैंगल शुड बी फॉर्म देन कंपेरेबल लेंथ होनी चाहिए हर एक साइड्स की देन वेरिंग लाइन्स हमको अवॉइड करनी चाहिए देन मैग्जिम प्रोग्रेस जो है हमारा एक दिन में कवर होना चाहिए सर्वे करने के लिए एंड देयर शुड नॉट बी टू मेनी कॉम्प्लीकेशंस फॉर द कॉम्पिटिशन इक्वेश सो लाइक वे ये क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हम लोग पर्टिकुलर किसी एरिया के लिए हमको नक्शा बनाना है तो वहां पर हमारी ट्रैंगुलेशन फिगर कैसी बनेगी कौन सी ट्रैंगुलेशन फिगर के अरेंजमेंट हमने करना चाहिए ये हम लोग डिसाइड कर सकते सो दैट इज ऑल अबाउट द ट्रैंगुलेशन फिगर टाइप्स ऑफ ट्रैंगुलेशन फिगर एंड हाउ द ट्रैंगुलेशन फिगर इज सिलेक्टेड फॉर ए पर्टिकुलर टेरेन एरिया सो दैट वी अपिल नाउ कवर्ड नाउ वेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट दैट तो मैंने हमने पहले भी देखा कि वेल कंडीशन ट्रैंगल हमारे होने चाहिए सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज ट्रेंगुलेशन में हमारा पर्पस ही क्या है कि एक बड़े एरिया को बड़े ट्राइंगल में कवर करने का वो हो गए हमारे टर्सरी ट्रैंगल तो हर जगह पे आपको ट्राइंगल ही बनाना पड़ रहा है जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था कि अलग अलग टेरेन को आप ट्रैंगल में डिवाइड करके बराबर उसको कवर कर सकते हो सो फॉर दैट हियर वेल कंडीशन ट्राइंगल

प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं बिगर का तो वहां पे, आपके पे तो आपकी डिपेंड होगी तो वाला हो गया, एक एंगल, एंगल इतना हो गया तो वैसे तो आपको पता है कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल की जो टोटल होती है वो वन एटी होती है लेकिन मेरा एक एंगल कितना है दूसरा एंगल कितना है तीसरा एंगल कितना है ये इसमें कितना डिफरेंस है ये मुझे पता करना पड़ेगा सो मैग्नेट्यूड ऑफ एंगल इन द इंडिविजुअल ट्रेंगल वो एक्यूरेसी डिपेंड है हमारी पहली चीज दूसरी चीज क्या है कि अरेंजमेंट कैसी है आपके ट्रैगल्स की जैसा इसके पहले हमने देखा ट्रेंगुलेशन फिगर अलग अलग टाइप के यूज कर सकते हैं तो अलग अलग फिगर अलग अलग एक्यूरेसी हमको देती है तो वो क्या है ये दोनों भी चीजें आप देखेंगे अपन मैग्नेट्यूड ऑफ एंगल एंड अरेंजमेंट ऑफ द ट्रैगल इस पर आपको आपके ट्रेंगुलेशन अरेंजमेंट की जो एक्यूरेसी है वो आपको पता चलेगी और ये मोर एक्यूरेसी यदि मेंटेन करना है तो आपको क्या चाहिए द शेप ऑफ द ट्रायंगल शुड बी सच दैट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल शाल हैव द मिनिमम इफेक्ट यानी जितने एरर कम आएगी उतनी एक्यूरेसी आपकी ज्यादा होगी तो हर एक ट्रैंगल की जो साइड्स और एंगल हम लोग गिन रहे हैं उसके अंदर जितना कम एरर आएगा उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ने वाली है और यदि आपको ऐसा करना है कि हमको एरर कम रहनी चाहिए और एक्यूरेसी ज्यादा रहनी चाहिए तो आपको यूज करना पड़ेगा वेल कंडीशन ट्रायंगल सो फॉर मोस्ट एक्यूरेसी परपज प्रिसाइज मेजरमेंट वी हैव टू फॉर्मुलेट द ट्रैंगुलेशन फिगर वेयर इन वेल कंडीशन ट्रायंगल्स आर मोर तो वेल कंडीशन ट्रैंगल्स हमको ज्यादा रखने पड़ेंगे एंड फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट आर द वेल कंडीशन ट्रैंगल कंडीशन सो यहां पे वेल well कंडीशन के ट्रैंगल्स में क्या क्या रहेगा सो इन ट्रैंगल वन साइड इज नोन फ्रॉम द कॉम्पिटिशन ऑफ द अदर एडजस्ट ट्रेंगल द एरर इन द अदर साइड विल अफेक्ट द एरर इन द रेस्ट ऑफ द ट्रेंगुलेशन फिगर ये आपको पता है यदि मैंने एक ट्रेंगल ऐसा बनाया ये एक ट्रेंगल बनाया मेरा अब ये ट्रैंगल का मैंने ये वाला स्टेशन और ये वाला स्टेशन है ये मेरी बेस लाइन है इसका मेजरमेंट मैंने कर लिया ए बी का और ये एंगल मालूम है मुझे थीटा वन और ये एंगल मालूम है थीटा टू ये एंगल है थीटा थ्री थीटा थ्री थी वैसे भी निकाल सकता हूं मुझे मेजर क्या करना पड़ेगा थीटा वन थीटा टू तो वन एटी में से ये माइनस कर देंगे तो थीटा थ्री निकल जाएगा लेकिन मेजरमेंट मैंने सिर्फ ये लाइन का लिया तो मैं इसके अंदर साइन रूल लगा के ये इसका भी लंबाई और इसकी भी लंबाई कैलकुलेट कर सकता हूँ सो तो दिस इज पॉसिबल और इसीलिए तो हम लोग ट्रैंगुलेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं लेकिन इसके लाइन के अंदर यदि ज्यादा एरर होंगी तो वही एरर इसमें भी आ जाएंगे कैलकुलेशन की वजह से क्योंकि इस पे से बेस कैल्कुलेशन से आपने इसके डायमेंशन निकाला है वैसे ये इसका डायमेंशन निकालेंगे तो वो एरर इसमें से इसमें से चले जाएंगे सो व्हाट इज हैपनिंग है यदि आपके एक साइड में यदि ज्यादा एरर है तो वही एरर आपके अलग कैलकुलेशन के अंदर आगे 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 बढ़ते जा सकती है और ये एरर को कंट्रोल में रखने के लिए हमको क्या चाहिए कि ये जो साइड से ट्राइंगल्स के ये आप कंपेरेबल लेंथ होनी चाहिए उसके जो एंगल्स है वो ज्यादा डीप एंगल या ज्यादा वाइड एंगल नहीं होने चाहिए एंड फॉर दैट इन ऑर्डर दैट दिस टू साइड्स टू बी इक्वली एक्यूरेट दे शुड बी इक्वल लेंथ एंड दिस कैन बी अटेन बाय मेकिंग द ट्रेंगल आइसो स्केल तो जनरली हमारा ये रहता है कि हम लोग जो ट्रैंगल है उसको आइसो स्केल ट्रैंगल बनाने की कोशिश करते एक्चुअली जब हम लोग बात कर रहे हैं कि वेल कंडीशन ट्रैंगल की तो वेल कंडीशन ट्रैंगल में हमको ये ध्यान में रहता है कि वेल कंडीशन ट्रैंगल मतलब एकदम इक्वलैटरल ट्रैंगल यानी तीनों साइड्स उसकी सरी की है और उसके तीनों एंगल जो है वो भी सरी के है सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल इन द फील्ड हर बार आप इक्टर की जैसी फिगर बना ही नहीं सकते क्योंकि आपकी टोपोग्राफी अलग अलग है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिर दूसरा ऑप्शन क्या रखना पड़ेगा कि आप ऐसे के बजाय आप एसो स्केल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करो यानी कम से कम ये बेस लाइन और ये दो एंगल ये तो भी आपके एक जैसे रहने चाहिए सो so, बेस और टू एंगल्स ये यदि एक जैसे भी मेंटेन कर लिया आपने तो भी आप ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन का भी ट्रायंगल की फिगर आप बना सकते हो सो so, यदि आप वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं बना सकते तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास में कि आपने आइसोस्केल ट्रायंगल बनाने चाहिए तो द बेस शेप ऑफ द ट्रायंगल इज आइसोस्केल ट्रैंगल विद द बेस एंगल ऑफ फिफ्टी सिक्स डिग्री चौदह मिनट तो यहां पर ये वाला एंगल हमारा छप्पन डिग्री चौदह मिनट का इधर का भी छप्पन डिग्री चौदह मिनट का यदि बोलते हैं हम लोग तो यह एंगल जो भी हमारा बचेगा एक में से माइनस करने के बाद में ऐसा जो ट्रांगल है वो ट्रैगल हो गया हमारा ट्रैंगल और ज्यादा ज्यादा ऐसे ट्राइंगल की संख्या हम लोग फिर ज्यादा रख सकते क्योंकि इक्विल ट्रेंगल तो हर बार पॉसिबल नहीं है तो फिर दूसरा बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में कि आइसोस्केल ट्राइंगल बनाने की हम लोग को कोशिश करना चाहिए और आइसोस्केल ट्रैंगल के अंदर जो बेस का एंगल होता है वो होता है हमारा छप्पन डिग्री चौदह मिनट सो बट

और नहीं होते हैं तो कम से कम एक एंगल तो भी आप पचास से लेकर सात डिग्री का रखो पचास से लेकर सात डिग्री का रखो <coughs> तो दूसरे दो एंगल ऑटोमेटिक अपने आप से थोड़े बहुत कम ज्यादा रहेंगे और ऐसे ट्रायंगल्स को बनाने से हमारी जो ट्रायंगुलेशन फिगर है ये आपको ज्यादा एक्यूरेसी देंगी सब का पर्पज ही हमारा ये है कि आपके मेजरमेंट के अंदर लंबाई और एंगल मेजरमेंट के अंदर आपका एरर कम रहनी चाहिए और मेजरमेंट का प्रिसीजन और एक्यूरेसी ज्यादा रहनी चाहिए और उसको एक्यूरेसी को बार बार चेक करते आना चाहिए एंड फॉर दैट वी हैव टू सी दैट वी आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ वेल कंडीशन ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल अब इस प्रकार से यदि हमको ट्रेंगुलेशन का सर्वे करना है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी ट्रेंगुलेशन फिगर हमको यूज करना है दैट वी विल सी दैट कि ये हमारे यहाँ से अलग अलग ट्रेंगुलेशन के फिगर हमको करना यदि है तो हम लोग क्या करेंगे सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव टू फर्स्ट डिसाइड द ट्रेंगुलेशन स्टेशंस अभी मुझे समझ लो अपने विदर्भा का नक्शा बनाना है तो मैं विदर्भ में जितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं उसके ऊपर एक एक स्टेशन ले लूँगा और उसके नीचे मैं फिर अलग अलग स्टेशन ले लूँगा। और ऐसे करके मुझे मैं ट्रेंगल एरिया में उसको कवर करूंगा तो सब ट्रेंगल एक मेक को जोड़ने के बाद में जो मेरी एक ट्रेंगुलेशन की फ़िगर तैयार होगी सो so, उसमें अभी अलग अलग मैं कॉर्टोलेट्रल ट्रैंगल सिंगल चेन डबल चेन सेंट्रल फिगर ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता हूँ और ऐसा ट्रायंगुलेशन फिगर बनाना है तो ये मेरा कंसेप्ट है पहले कि मुझे कहां पे मेरे बड़े बड़े ट्रायंगल रहेंगे उसमें से छोटे ट्रायंगल से कहां से कहां रहेंगे और फिर उसके अंदर और टर्सरी ट्रायंगल कहां रहेंगे और एक टर्सरी ट्रायंगल बोले तो फिर एक पर्टिकुलर कॉलोनी को एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे और वहां पर जाके फिर मुझे इंजीनियरिंग सर्वे कंडक्ट करना है तो इसके लिए आपको ट्रेंगुलेशन सर्वे करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से कौन से लगेंगे ये हमको यहां पर देखना है सो हियर

या फिर आपको कंपास से बेयरिंग लेना पड़ेगा लाइन का सर्वे लाइन का तो कंपास कंपास आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अब इसके अंदर आप ये वो देखना है कि ट्रैंगुलेशन सर्वे के अंदर हमारे सभी स्टेशन प्लेन ग्राउंड पे थोड़ी होने वाले हैं तो एक स्टेशन ऊपर है एक स्टेशन नीचे है ऐसे अलग 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 जैसी जमीन होगी जैसा अर्थ सर्विस होगा जैसी टोपोग्राफी होगी वैसे हर एक स्टेशन अलग अलग ऊंचाई पर है तो इसीलिए जो ट्रैंगुलेशन स्टेशन है वो स्टेशन की दूरी तो गिनेंगे हम लोग या फिर दो सर्वे लाइन में का एंगल तो गिनेंगे लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट है कि वो हर एक पॉइंट की ऊंचाई कितनी है फ्रॉम मीन सी लेवल वो वो भी हमको गिनना पड़ेगा सो फॉर एवरी ट्रेंगुलेशन स्टेशन यू हैव टू आल्सो मेजर द एलिवेशन और अल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट और वो गिनने के लिए फिर आपको क्या लगेगा बैरोमीटर तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करके हम लोग अल्टीट्यूड मेजर कर सकते हैं वो पॉइंट का उसके अलावा भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टील टेप देन वी कैन यूज द ये पावरफुल पावरफुल टेलीस्कोप भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यदि स्टेशन बनाने का काम पड़ा समझ लो हमारे यहाँ पे तो हम कोंडेश्वर के टेकड़ी पे हमारा एक स्टेशन रहेगा और दूसरा स्टेशन रहेगा हमारा माल टेकड़ी पे और वहां से आपको दूरबीन से ही देखना पड़ेगा कि वही वो स्टेशन पे का जो रेंजिंग रॉड या इंस्ट्रूमेंट या जो भी कुछ होगा वो दिखता है कि नहीं दिखता है करके अब ऐसे बड़े एरिया का लेंथ मेजर करने के लिए उसका एंगल मेजर करने के लिए आपको पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ही विजिबिलिटी से आपको चेक करना पड़ेगा एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज द पावरफुल टेलीस्कोप अदर इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कौन से कौन से हैं तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी से मेंटेन करने के लिए आप स्टील टेप के बजाय फिर इनवेयर टेप इस्तेमाल कर सकते हो इन्वेयर टेप से आपका टेम्परेचर को वगैरह ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं तो मेजरमेंट आपका अच्छा आएगा देन यू कैन ऑल्सो यूज द हेलीट्रॉप फॉर टेस्टिंग द इंटर विजिबिलिटी यानी एक लाइन में आपके uh, जो

एंड वी आर ऑल्सो रिक्वायरिंग द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल फॉर कंडक्टिंग द ट्रेंगुलेशन सर्वे तो हम लोग यहाँ पर ब्रीफ में फिर से एक बार देखेंगे कि ट्रेंगुलेशन फिगर बना के हमको ट्रेंगुलेशन सिस्टम फॉर्म करना है और फिर उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ट्रेंगल बनाना है इसके लिए हमको ट्रेंगुलेशन का जो सर्वे करना पड़ेगा ट्रेंगुलेशन का जो काम करना है अपने को उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे तो ये अब मैंने पहले भी आपको बताया

क्रीपर्स <coughs> और ऐसे भी एक्सेसरीज लगेगी क्योंकि आपको पहाड़ी पर चढ़ के जाना पड़ेगा स्टेशन को डिसाइड करने के लिए या फिर चेन खींचने के लिए या बेस लाइन करने के लिए तो ऐसे जगह पे आपको अलग अलग एक्सेसरीज भी आपको लग सकती है सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर ट्रेंगुलेशन सर्वे सो विथ दिस वी आर एंडिंग हियर द लेसन नंबर थ्री तो हमारा जो लेसन थ्री है इसके अंदर हमने वॉट इज द ट्रेंगुलेशन फिगर ये पार्ट देखा Then we have seen that what are the criteria for selection of the triangulation figure. Then we have seen that what is the well conditioned triangle and well conditioned triangle, and then what are the instruments for triangulation survey. So, in this lesson, uh, we have seen the most important topic that is triangulation figure. So, for, the, for this time, we will stop here for this, and in the next lesson, then again we will go for very interesting topic that is uh, regarding the लेसन नंबर फोर वेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दिस एग्जैक्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंगुलेशंस इज डन सो इसके लिए एक्चुअल हमारा ट्रेंगुलेशन सर्वे का प्रोसीजर क्या रहेगा वो हम लोग देखने वाले हैं बट टिल देन वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो सीरीज ऑन सर्वे टू